से योगी आदित्यनाथ जी ने मंच पर अपना स्थान ग्रहण कर लिया है। मैं चाहूंगा एक बार सभी लोग जोरदार तालियों के साथ पूरे मन से भव्य स्वागत करेंगे। महत्वपूर्ण पुरुषार्थ है इनके संबंध में सभी लोग करते होंगे, लेकिन राम नाम अपने साथ अनुसूचित जाति का व्यक्ति सर्वाधिक लगाता है, इससे बड़ी गौरवशाली बात हो सकती है। यानी हमने उसको अपने अंतःकरण से जोड़ा, हमने केवल उच्चारण के लिए नहीं, केवल जपने के लिए नहीं, हमने अपने जीवन के साथ उसको जोड़ने का प्रयास किया। और यही कारण है आज जब अनुसूचित समाज के बारे में चर्चा होती है, हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और गौरव की अनुभूति होनी चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी एकमात्र दल है जिसके सर्वाधिक सांसद अनुसूचित जाति से हैं, सर्वाधिक विधायक हैं, सर्वाधिक राज्यसभा के सांसद हैं और सर्वाधिक पार्षद हैं। हर क्षेत्र में अनुसूचित जाति जनजाति के कार्यकर्ताओं को नेतृत्व प्रदान करने का श्रेय भी अगर किसी को जा सकता है तो भारतीय जनता पार्टी को जाता है। और भाइयों बहनों, आजादी के पहले की बात तो भूलिए, आजादी के बाद भारतीय जनता पार्टी एकमात्र राजनीतिक दल है जिसने अनुसूचित जाति जनजाति के बंधुओं को उनका हक दिलाने के लिए पूरी तत्परता के साथ कार्य किया।